लोकसभा चुनाव में किस सीट से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर लगातार न्यूज बाइस्कोप मंथन कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 11 सीटों पर तो पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन 3 सीट अभी भी बची हुई है। इधर महागठबंधन में एक भी सीटों को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में कौन कौन प्रत्याशी होंगे और जिन 3 सीटों पर बात की जा रही है जिसमें बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, वो है चतरा, धनबाद और गिरिडीह। तो चतरा से कौन लॉबिंग कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही एक सीट है हजारीबाग, जो इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां से बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के यहां ईडी की रेड पड़ी है, उसके बाद से ये सीट काफी चर्चा में है। खबरें ये मिल रही थी कि हजारीबाग से अंबा प्रसाद लोकसभा का चुनाव कांग्रेस कोटे से लड़ सकती हैं, लेकिन अब जबकि छापेमारी हो गई है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और कि योगेंद्र साह जो उनके पिता है वो इस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए वो दिल्ली भी गए हुए हैं, ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे चर्चा करेंगे इन दोनों सीटों पर, चतरा और हजारीबाग। करिश्मा, हजारीबाग सीट से तो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अंबा का नाम सामने आ रहा था, अब क्या इस सीट पर उनके पिता योगेंद्र साहब दावेदारी पेश कर रहे हैं? जी देखिए, पहले अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग से अंबा प्रसाद का जरूर नाम सामने आ रहा था और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस हजारीबाग लोकसभा सीट से अंबा प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन आपने बीच में देखा कि ईडी की दबिश उनके आवास में देखने को मिल रही थी और ये भी खबरें सामने आ रही है कि ईडी की ओर से उन्हें समन भी जारी किया गया है। तो ऐसे में पार्टी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अब उनके पिताजी योगेंद्र साहब का नाम सामने आ रहा है, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में लगातार वो दिल्ली दौरा भी कर रहे हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि योगेंद्र साहब का नाम शायद कांग्रेस जो है वो आगे कर सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जब अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था तो यही कहा जा रहा था कि अंबा प्रसाद जो है एज कैंडिडेट अब चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो गई है क्योंकि अंबा प्रसाद को समन जारी कर दिया गया ईडी की ओर से। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही है कि अंबा प्रसाद ने समय की मांग की है, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी के रडार में अंबा प्रसाद, तो अब कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से मंथन किया जा रहा है। हालांकि इंडी अलायंस की ओर से अब तक पत्ते नहीं खोले गए, उम्मीदवारों की नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद योगेंद्र साहु जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की जरूर घोषणा कर दी गई है, 3 अभी भी बचा हुआ है, यानी कि गिरिडीह, धनबाद और चतरा। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो वर्तमान में पाकी विधायक है शशिभूषण मेहता, वो शायद चतरा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार वो रैली निकाल रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे, भ्रमण कर रहे हैं और इस बीच यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शशिभूषण मेहता को बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे पत्ते खोले जाएंगे वैसे वैसे चीजें जो है और स्पष्ट होगी, क्योंकि सवाल जो है इंडी गठबंधन उठाती भी नजर आ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं की है, आखिर कहां पेच फंस रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करेंगे आसिया, तो बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम लोगों ने तो 11 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है, तो इंडी गठबंधन में पेच कहां फंस रहा है। अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया, तो कह सकते हैं कि इंडी अलायंस ने यह दावा जरूर किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर होगी और सभी की निगाहें टिकी हुई है हजारीबाग लोकसभा सीट पे, क्योंकि पहले अंबा प्रसाद का नाम सामने आ रहा था, फिर यशवंत सिन्हा का भी नाम सामने आ रहा था। जब से अंबा प्रसाद यशवंत सिन्हा से मुलाकात की थी, हालांकि उनका कहना था कि वो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, अनुभवी है और मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई थी, अब क्या कुछ बातें हुई वो यशवंत सिन्हा और अंबा प्रसाद के बीच में, लेकिन अब कह सकते हैं योगेंद्र साहब का नाम सामने आ रहा है और 1 से 2 दिनों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी, तो सभी चीजों में विराम लग जाएगा और उम्मीदवार जो है लोगों के सामने आ जाएगा। तो कह सकते हैं 1 से 2 दिनों का इंतजार करना होगा, लेकिन नाम जो है, तो इस बीच में चतरा सीट भी काफी दिलचस्प बन रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुनील सिंह को शायद ये सीट ना मिले, शायद उनका टिकट कटे, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे और कहा जाता है कि सुनील सिंह के वो काफी करीबी हैं, तो ऐसे में करिश्मा, इस सीट पर बीजेपी के लिए अब शशिभूषण मेहता को लाना और फिर ये सीट निकालना, हालांकि चतरा सीट बीजेपी की कही जाती है, तो क्या ये मैटर करेगा कि कैंडिडेट कोई भी हो वोट वहाँ बीजेपी को जाएगा? जी देखिए, अगर चतरा की बात करेंगे तो चतरा बीजेपी का गढ़ माना गया है। आप अगर पहले देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी के कैंडिडेट जब जब उतरे हैं तब तक वहाँ पर जीत हासिल की है। देखिए, यहाँ पर ये भी खबरें सामने आ रही कि सुनील सिंह का पत्ता जो है वो कट सकता है और ऐसे में राजनाथ सिंह अगर यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सभा को संबोधित किया है इटखोरी में, आपने देखा होगा, और कई बातों का जिक्र भी किया था। उनका यही कहना था कि अब धीरे धीरे करके चीज
चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो जाएगी और बीजेपी का जो मकसद है कहीं ना कहीं वो बताते हुए वो नजर आ रहे थे। और इस बार यही आ रहा है कि पाकी विधायक शशि भूषण मेहता पर शायद बीजेपी जो है वो दाव लगा सकती है, बीजेपी शायद शशि भूषण मेहता को चुनावी मैदान में उतार सकती है। और जिस तरीके से शशि भूषण मेहता एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपने देखा होगा देर रात तक वो नजर आ रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो विधायक शशि भूषण मेहता है वो जरूर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करते हैं लेकिन रैली कब निकालते हैं। और ऐसे में अगर देर रात वो लोगों से मुलाकात करे, बातचीत करे, उनकी समस्या जानने की कोशिश करे तो सभी लोग ये समझ गए होंगे कि चुनावी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है और जितनी भी प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं लोगों से मुलाकात करे। हालांकि अभी चतरा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है लेकिन शशि भूषण मेहता जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे उसे यही माना जा रहा है आसिया कि कहीं ना कहीं अंदर खाने तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई है, सिर्फ उसे आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है। तो कह सकते हैं इंतजार हमें भी है, दर्शकों को भी है कि किस तरीके से चतरा और हजारीबाग में उम्मीदवारों की घोषणा किस तरीके से होती है, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात कर लेंगे या फिर बीजेपी की बात कर लेंगे। चलिए तो दोनों सीटें ही काफी दिलचस्प नजर आ रही हैं और खासकर जब हजारीबाग से योगेंद्र साहब का नाम सामने आ रहा है, इधर छत्रा से शशि भूषण मेहता का नाम सामने आ रहा है, तो क्या इन दोनों नामों पर महागठबंधन और बीजेपी विचार कर रही है। खैर कुछ दिनों का इंतजार, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन कैंडिडेट है जो इन दोनों सीटों पर बाजी मारेंगे। इसके अलावा भी महागठबंधन तमाम इन 14 सीटों पर किसे अपना कैंडिडेट बनाएगी लगातार इस पर हम मंथन कर रहे हैं। बीजेपी ने जो 3 सीटें छोड़ी हैं वो किसे मिलने वाली हैं इस पर भी लगातार हमारा मंथन और हम ये चर्चा जारी रहेगी और जैसे ही कैंडिडेट की घोषणा होती है सबसे पहले न्यूज़ 22 को आप तक वो खबर पहुंचाएगा। देखते रहिए न्यूज़ 22 को।